प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 42। ओके, सो आज की वर्कशीट में आपको टॉपिक क्या दिया गया है, डिटरमाइनर्स। और इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम समझेंगे और इन्हें पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट डिटरमाइनर्स दिस वीक। तो इस वीक हम क्या पढ़ेंगे, डिटरमाइनर्स। व्हाट आर डिटरमाइनर्स, लेट अस रीड फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड फाइंड आउट। तो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और फाइंड करेंगे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले बोला गया है कि वेयर इज़ द बुक, वेयर इज़ द बुक। तो इसमें आप देखेंगे कि एक वर्ड है अंडरलाइन हुआ, वो क्या है, द। उसके बाद है दोज फिशेज आर ब्यूटिफुल, वे सभी मछलियाँ क्या हैं, खूबसूरत हैं। ठीक है, देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। तो यहाँ पे क्या है कि देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार, कि जार में थोड़ी सी ही चीनी जो है, मतलब शुगर जो है वो बची है। उसके बाद है आई हैव 5 पेंसिल्स इन माई बैग, मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं मेरे बैग में। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे द, दोज, लिटिल एंड 5, ये जो वर्ड हैं ये क्या है, ये अंडरलाइन है। क्यों है, चलिए ये भी जानते हैं। बोला गया है कि व्हाट इज़ कॉमन इन द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द सेंटेंसेस गिवन बी अबव। आपको बोला गया है जो ऊपर आपको दिए गए सेंटेंसेस हैं इनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें कॉमन क्या है। एज यू मस्ट नोटिस्ड, द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउंस। आपको बोला गया है कि अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो नाउन से जस्ट पहले क्या हैं, लिखे गए हैं। नाउन, जैसे बुक क्या है, बुक है नाउन, और इससे पहले द लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिशेस, फिशेस क्या है, मछलियां क्या है, नाउन है, ठीक है, और इससे जस्ट पहले क्या लिखा गया है, दोज। शुगर क्या है, नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले लिटिल लिखा गया है। ऐसे ही पेंसिल, पेंसिल क्या है, पेंसिल है, जो पेंसिल्स जो है वो क्या है, नाउन है, और इससे जस्ट पहले क्या लिखा गया है, 5। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बोला गया है कि एग्जांपल बुक, फिशेस, शुगर एंड पेंसिल्स, दीज वर्ड्स मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रिफर्स टू। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि दीज वर्ड्स मेक इट क्लियर, ये वर्ड्स क्लियर करते हैं कि व्हाट द नाउन रिफर्स टू, कि नाउन क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो नाउन होते हैं, ठीक है, हम उनसे जस्ट पहले जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, डिटरमाइनर्स उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो जस्ट नाउन से पहले यूज़ होते हैं और वो क्लियर करते हैं कि दीज वर्ड्स मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रिफर्स टू, कि नाउन जो है वो क्या रिफ़र कर रहा है। ओके, उसके बाद है नाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ डिटरमाइनर। आपको यहाँ डिटरमाइनर का क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। ओके, और उसके बाद बोला है अटेम्प्ट राइटिंग इट बिलो। तो यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया, इसमें आपको लिखना है। ओके, तो ये हम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बाकी जो फॉर्मेट है उसे भी देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन डिटरमाइनर्स। आपको बोला गया है कि आपको सेंटेंसेस को रीड करना है जो नीचे दिए गए हैं, और अंडरलाइन करना है जो डिटरमाइनर्स हैं उन्हें, ठीक है। जैसे अभी आपने पहले देखा कि इस बॉक्स में आपको अंडरलाइन दिए गए हैं, वैसे आपको भी अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें फर्स्ट सेंटेंस, इसमें है हैज़ एनीवन सीन माय फ़ोन, क्या किसी ने मेरा फ़ोन देखा। तो अगर इसमें आप नाउन देखें तो क्या है, फ़ोन, यहाँ पे नाउन है, नाउन फ़ोन से पहले, ठीक है। जस्ट आप देखेंगे माय यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, माय, ठीक है। और यहाँ पे माय क्या है, ये है डिटरमाइनर, ठीक है। जो सेकेंड आपका सेंटेंस है वो है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट, सभी बच्चे इस क्लास के जल्दी जो है, मतलब जल्दी सीख लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लास क्या है, नाउन है, क्लास क्या है बेटा, नाउन है, और क्लास से पहले हम दिस यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, दिस। तो ये क्या है, ये भी डिटरमाइनर है। ओके, उसके बाद बोला गया जो थर्ड सेंटेंस है, इट इज़ रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से जस्ट पहले क्या यूज़ हुआ है, एन यूज़ हुआ है, और अम्ब्रेला यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले क्या यूज़ हुआ है, एन यूज़ हुआ है, और ये क्या है, डिटरमाइनर है, क्या है, डिटरमाइनर।
ओके उसके बाद जो आपका फोर्थ सेंटेंस है इसमें बोला गया है कि द पार्क नियर आर होम हैज़ बीन ओपन्ड. द पार्क नियर आर होम, हमारे घर के पास जो पार्क है ठीक है वो क्या है, हैज़ बीन ओपन्ड, वो क्या है, ओपन हो गया. तो अगर इसमें आप देखें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, होम क्या है, नाउन है, और इससे जस्ट पहले यूज़ हुआ है आर, क्या यूज़ हुआ है, ओ यू आर आर, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या है, ये है डिटरमाइनर. ओके देन आपको बोला गया है कि जो फिफ्थ सेंटेंस है, आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स, आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स. तो एप्पल्स से जस्ट पहले अगर आप देखें तो क्या यूज़ हुआ है, दीज, और एप्पल्स क्या है, एप्पल्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है. तो नाउन से पहले क्या यूज़ हो रहा है, दीज यूज़ हो रहा है, तो दीज क्या है यहाँ पर, दीज यहाँ पर डिटरमाइनर है. ओके नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज. आपको बोला गया है कि जो आपको नीचे सेंटेंसेज दिए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कहा गया है, ठीक है. दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग. उसके बाद है हर मदर वर्क्स हार्ड, उसकी मदर जो है वो क्या करती हैं, मेहनत करती हैं. ओके फिर है गिव मी दिस, मुझे ये दे दो. आई रिस्पेक्ट हर, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ या रिस्पेक्ट करती हूँ. ओके देन बोथ सेट्स ऑफ सेंटेंसेज आर सिमिलर एंड हैव कॉमन वर्ड्स डैट आर हाईलाइटेड विद येलो कलर. यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप देखें तो ये जो बोथ सेट्स ऑफ सेंटेंसेज हैं ठीक है, आर सिमिलर, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, एंड हैव कॉमन वर्ड्स, और इसमें वर्ड्स जो है वो कॉमन है, ठीक है. अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, कॉमन वर्ड्स है, जैसे दिस दिस, हर हर, ठीक है. उसके बाद बोला गया है कि हाईलाइटेड विद येलो कलर, येलो कलर से हाईलाइट किए गए हैं ये वर्ड्स. दीज वर्ड्स सम टाइम्स एक्ट लाइक डिटरमाइनर्स एंड सम टाइम एज प्रोनाउंस. अब आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि कभी कभी ये वर्ड्स जो हैं, कभी कभी ठीक है, समटाइम्स एक्ट लाइक डिटरमाइनर्स, कभी कभी ये डिटरमाइनर्स की तरह काम करते हैं, और समटाइम एज प्रोनाउंस, और कभी कभी ये प्रोनाउंस की तरह भी काम करते हैं. तो अगर आप ये कहें कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम हर जो है ये तो प्रोनाउन होता है, ठीक है, इट जो है प्रोनाउन होता है, माय जो है वो प्रोनाउन होता है, तो ये डिटरमाइनर कैसे हो सकता है. तो आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि कभी कभी सम टाइम लाइक डिटरमाइनर्स, ठीक है, एक्ट लाइक डिटरमाइनर्स एंड सम टाइम एक्ट लाइक अ प्रोनाउंस, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये खास ध्यान रखना है. द वर्ड्स गिवन इन द पिंक कॉलम आर प्रोनाउंस, जो पिंक कॉलम में दिए गए हैं ये क्या है, प्रोनाउंस है, बिकॉज दे रिप्लेस नाउंस, ये क्या कर रहे हैं, नाउंस को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए प्रोनाउंस है, ठीक है. हेयर आर टू क्वेश्चंस फॉर यू, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिस जो है और हर जो है नाउन की जगह यूज़ हो रहा है, आप यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं गिव मी दिस, मुझे ये दे दो, ठीक है. अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मुझे यह दे दो, तो यहाँ पे आप बुक नहीं यूज़ कर रहे, अगर बुक नहीं यूज़ कर रहे तो बुक की जगह आप दिस लिख रहे हैं, तो ये प्रोनाउन हो गया. पर अगर आप यहाँ देखें तो आप क्या बोल रहे हैं, दिस बुक. अब दिस बुक तो आपने बोल दिया, अब बुक के साथ आप दिस यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, आप बुक को ही जो है थोड़ा और डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे. तो नाउन से पहले ये बुक क्या है, ये नाउन है, और इससे जस्ट पहले आपने लिखा है इसी को डिफाइन करने के लिए, तो ये डिटरमाइनर बन जाएगा, ठीक है. और ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें आई रिस्पेक्ट हर, कि यहाँ पे हर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी फीमेल के लिए, तो उस लड़की का जो भी है या फिर किसी भी फीमेल का नाम की जगह आप हर यूज़ कर रहे हैं. पर अगर यहाँ देखेंगे कि हर मदर वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे लिख सकते थे मदर वर्क्स हार्ड, लेकिन आप हर मदर कह रहे हैं कि उसकी मदर जो हैं, ठीक है, ठीके? तो यहाँ आप जो मदर है वो क्या है, नाउन है, और इसको और डिफाइन कर रहे हैं हर से, तो ये क्या है, डिटरमाइनर सेट. ओके उसके बाद जो आपको दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या है, हाउ कैन यू से डैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमाइनर्स. तो आपको बोला गया है कि जो ग्रीन कॉलम में है ये डिटरमाइनर्स हैं, आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है. तो आपको ये बताना है कि हाउ कैन यू से डैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटरमाइनर्स. सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स डैट एक्ट एज बोथ डिटरमाइनर्स एंड प्रोनाउंस, मेक अ लिस्ट. आपको बताना है कि
कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स, क्या आप और वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं या ढूंढे आपने, ठीक है। जैसे बोथ डिटरमाइनर्स आर एंड प्रोनाउंस, जो कि डिटरमाइनर्स भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनानी कि कौन कौन से हैं। तो आपने जितने भी पढ़े हैं आप उनको लिखेंगे, ठीक है, और आप इसे सर्च करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके आंसर्स कैसे लिखेंगे। ओके, तो जो आपका पहला क्वेश्चन था वो क्या था, चलिए देख लेते हैं। नाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ डिटरमाइनर, आपको डिटरमाइनर की डेफिनेशन लिखनी थी। अटेम्प्ट राइटिंग इट बिलो, आपको जो बॉक्स दिया था उसमें लिखना था। तो आंसर क्या है इसका कि डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स डैट इंट्रोड्यूस अ नाउन एंड प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो यहाँ क्या बोला है कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को, मतलब नाउन के ही बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे माई पेन, मेरा पेन, ठीक है, दिस बुक, यह बुक, ठीक है, मतलब यह किताब। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे कि जो नाउन को ही डिफाइन करता है, नाउन के ही बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताता है, प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है, कि किसकी है और क्या है, ठीक है। उसके बाद है बट डू नॉट डिस्क्राइब इट। तो मैंने ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता दूँ उसके साथ कि बट डू नॉट डिस्क्राइब इट, लेकिन उसके बारे में ये नहीं कहता कि वो कैसा है, रंग में कैसा है, ये सब नहीं बताता है। जैसे एडजेक्टिव होता है ना, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है कि ये लॉन्ग है, टॉल है, वो चीज़ें नहीं बताता, ठीक है। तो सिर्फ ये बताता है कि नाउन जो है वो क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि माय पेन मेरा पेन है, और दिस बुक कि यह किताब है, ठीक है, और योर कंट्री तो तुम्हारा देश। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि मैंने जो एग्जांपल दिए हैं इसमें आप सिर्फ नाउन को ही थोड़ा और बता रहे हैं, ओके। बाकी इसमें आप इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नाउन को ही इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स, आपको इसमें अंडरलाइन करना है। मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी जो है आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे कि हैज़ एनीवन सीन माय फ़ोन, क्या किसी ने मेरा फ़ोन देखा है, ठीक है। फ़ोन जो है क्या है, नाउन है, और माई क्या है, यहाँ पे डिटरमाइनर है। उसके बाद है दिस क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट, इस क्लास के सभी स्टूडेंट जो हैं वो जल्दी ही सीख लेते हैं या सीख रहे हैं। सो क्लास क्या है, नाउन है, और दिस क्या है, डिटरमाइनर है। थर्ड सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, क्या है कि बारिश हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, तो मेरे पास एक अम्ब्रेला नहीं है। तो यहाँ आप क्या बता रहे हैं, एंड अम्ब्रेला क्या है, नाउन, और एन क्या है, डिटरमाइनर, ओके। उसके बाद फोर्थ है द पार्क नियर आर होम हैज़ बीन ओपन्ड, मेरे घर के पास, ठीक है, द पार्क नियर आर होम, हमारे घर के पास जो पार्क हैज़ बीन ओपन्ड, वो ओपन हो चुका है। तो होम क्या है, नाउन, और आर क्या है, यहाँ पे डिटरमाइनर। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स, मैं इन एप्पल्स को नहीं खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रही हूँ। तो एप्पल्स क्या है, नाउन है, और दिस क्या है, यहाँ पर डिटरमाइनर है, ओके। सो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको दो क्वेश्चंस दिए थे ना, उनको आपको सॉल्व कर, मतलब उनके आंसर्स लिखने हैं। तो क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट, हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कलर कॉलम आर डिटरमाइनर्स, आपको बताना है कि जो ग्रीन कॉलम में बॉक्स बना हुआ था ना वर्कशीट में, तो उसमें ग्रीन कॉलम में हाईलाइटेड वर्ड्स थे वो डिटरमाइनर्स कैसे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, आपने कैसे मतलब पहचाना। तो द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम्स एंड आर डिटरमाइनर्स बिकॉज दे कम बिफोर द नाउन एंड मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रिफर्स टू। तो यहाँ पे बोला गया जो हाईलाइटेड वर्ड हैं ग्रीन कॉलम्स में, ठीक है, वो क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे कम बिफोर द नाउन, क्योंकि वो नाउन से पहले आ रहे हैं, एंड मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रिफर्स टू, और ये वो क्लियर कर रहे हैं कि नाउन क्या कहना चाहता है, मतलब नाउन जो है वहाँ पे उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स डैट एंड
दैट एक्ट एज बोथ डिटरमाइनर्स एंड प्रोनाउंस मेक अ लिस्ट। तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो कि डिटरमाइनर्स भी होते हैं और प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन होती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो डिटरमाइनर या प्रोनाउन जो है कहलाते हैं। तो सेंटेंस कैसा है ये आपको देखना पड़ेगा। आंसर है मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटरमाइनर्स एंड प्रोनाउंस आर, ठीक है। डिटरमाइनर और प्रोनाउंस की तरह जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटरमाइनर्स एंड प्रोनाउंस आर कौन कौन से हैं, जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, सम, एनी, नो, नन, मैनी, मच, इनफ, सर्वल, मोर, मोस्ट, आइदर, नाइदर, ईच, ऑल, हाफ, बोथ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब डिटरमाइनर्स और प्रोनाउंस दोनों जगह यूज़ होते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, जैसे माय है, ठीक है, माय और माइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जगह क्या यूज़ होता है डिटरमाइनर के रूप में और दूसरी जगह क्या यूज़ होता है प्रोनाउन के रूप में, तो माय एंड माइन, ठीक है। उसके बाद है कि योर एंड योर्स, ठीक है, हिज हिज, हर hers, its its, our ours, their theirs, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा इसमें डिफ्रेंशिएट था कि मतलब डिटरमाइनर्स में जो है कैसे यूज़ होता है प्रोनाउंस में, इसलिए मैंने इसको आपको नीचे लिख के यहाँ पे शो किया। ओके, अब आप जो हैं अगर इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि डिटरमाइनर्स के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वर्कशीट में मिले ये, तो हम वहाँ समझेंगे। बट अभी आपको जितना दिया है हम इतना ही पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसके बाद जो है आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के नीचे दिया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी आंसर रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड हो जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता, मैं आपको मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस जो है वर्कशीट जो हैं करवाती हूँ। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स।